लोग जाना चाहते हैं उनको भेजने के लिए किसको भेजा जाएगा, किस प्रकार के लोग? ये देखिए, सभी लोग सब एक सामान्य सी बात है कि लोग अपनी भूमिकाएं बढ़ाना चाहते हैं, अपनी भागीदारी करना चाहते हैं प्रदेश के विकास में, तो स्वाभाविक रूप से। लेकिन अभी कोई इसके बारे में जो निर्णय है वो नेतृत्व के द्वारा ही होना है। बताया जा रहा है कि सामाजिक संतुलन बनाने के लिए सरकार इस प्रकार के कदम उठा सकती है, जो मंत्रिमंडल में कुछ लोगों को देखिए, शामिल किया जा सकता हम है। लोग सबका साथ सबका विकास के पक्षधर हैं और हमने इसको, हमारा नेतृत्व हमेशा से इस बात को आगे बढ़ाता है कि किस प्रकार से सबका साथ सबका विकास हो। अनुज जी, बीजेपी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है, इसे आप लोग किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, भाजपा सरकार का जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो आने वाले चुनाव को देख के किया जा रहा है। बेसिकली इन्होंने जो है अभी 1.5 साल से ऊपर इनका कार्यकाल हो गया है, इस पे इन्होंने कुछ नहीं किया है। जो ये संकल्प पत्र लाए थे वो संकल्प पत्र के वादे पूरे नहीं हुए हैं, और इस सरकार पे इतने भ्रष्टाचारी हैं उनको भी कैरी ऑन कर रही है। अगर विस्तार करना ही है तो विस्तार में भ्रष्टाचार करने वालों को बाहर करें, और जो वादा नहीं पूरा कर पाए उन लोगों को बाहर करें।